गांव को सब बोलते हैं ये शहीदों का गांव है, और ये बात भी सरकार ने कही, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने कही कि देश आजाद तो 1947 में हो गया था, लेकिन रोहनाक को आजादी 23 मार्च 2018 में मिली है। दोनों हाथ उठा करके बताओ, ये बात कही थी कि नहीं कही थी? कोई काम हुआ क्या? मुख्यमंत्री ने कहा था विशेष सुविधाएं देंगे, मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो आपके 57 प्लाट हैं उनका हक देंगे, गांव को शहीद का दर्जा देंगे, लेकिन किसी भी घोषणा के ऊपर काम नहीं हुआ। और साथियों, ये ऐसी सरकार है हरियाणा में, बिजली का खंभा भी बदलवाना है तो धरने करने पड़ते हैं, आंदोलन करना पड़ता है, प्रदर्शन करने पड़ते हैं। गांव ने मजबूरी में 10 अगस्त को यह धरना शुरू किया, 17 अगस्त को इस धरने की अध्यक्षता भी कर रहे थे, और इस धरने के एक मजबूत स्तंभ और सिपाही थे जिनकी सदमे से मौत हुई, जिनकी शहादत हुई। और हम आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि 17 तारीख को हम लखीमपुर खीरी गए थे, जहां 75 घंटे तक संयुक्त किसान मोर्चा का अजय मिश्र टेनी की पद से बर्खास्तगी को लेकर के धरना प्रदर्शन आजादी के 75 साल पूरे होने पर किया गया। सीधे आपके बीच में यहाँ पहुंच रहे मैं आप सबको नमन करते हुए, सबका आभार प्रकट करते हुए, जो कमेटी ने निर्णय लिया है हम उसके ऊपर सर्वसम्मति भी रखते हैं और उसके ऊपर फूल चढ़ाने का भी काम करते हैं। और हम सरकार को ये बात भी कहना चाहते हैं कि पिछले दिनों खेतर का भी आंदोलन चला, उससे पहले किसान आंदोलन चला, और दिल्ली के आंदोलन के बाद हरियाणा में 20 से ज्यादा जीत किसानों ने अलग अलग जिलों में अलग अलग मुद्दों को लेकर के दर्ज किए। और हम यहाँ के विधायक को और भिवाड़ी के जिला प्रशासन को ये एकदम स्पष्ट चेतावनी देना चाहते हैं, जो हमारी मांगे हैं, जो हमारा शहीद है इसके परिवार की आर्थिक सहायता हो, इनके एक परिवार के एक बच्चे को नौकरी मिले और गांव को शहीद का दर्जा दिया जाए। और जो मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से बोला था, जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी उसको तत्काल लागू कर दो, नहीं तो तुम्हें पहले भी हराया है, हर बार हराते हैं, और यहाँ से भी दंके की चोट पर कह रहे हैं हराएंगे, नाक रगड़वाएंगे, घुटने टिकवाएंगे, गांव को उसका हक दिलवा करके रहेंगे, ये हमारा सबका संकल्प है। एक मैं और भी आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप बैठे हो कि एक कंफ्यूजन फैला हुआ है कि ये तो जो दूसरे गांव की जो जमीन है रोहना तुम्हारे वो जमीन मांग रहे हैं जो कभी रोहना तुम्हारों की होती थी, जिसके ऊपर अंग्रेजों ने नीलामी करी। ये बात हमारी सबकी जिम्मेदारी है, ये बात मीटिंग में भी क्लियर हुई है, ऐसी कोई गांव की डिमांड नहीं है। कोई भी गांव का साथी किसी भ्रम में ना रहे कि किसी दूसरे गांव की जमीन की बात हो रही है, यहाँ केवल और केवल 57 प्लाटों की बात है। अगर हम जमीन की बात करें तो उसी के हक की बात हो रही है, यही है। दोनों हाथ उठा करके बताएं मैं सही बोल रहा हूँ। और एक अंतिम बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। देखिए, यहाँ बीजेपी का विधायक बैठा है और हरियाणा की सरकार भी इस बात को सुन ले कि अगर जल्दी से जल्दी और तत्काल से तत्काल हमारी मांगों को नहीं माना गया तो फिर अगर भाई हम परेशान हैं, हम अपने परिवार के सदस्य का सब रख करके बैठे हैं, तो यहाँ का विधायक विशंबर वाल्मीकि कान खोल करके सुन ले, आपके पास बहुत थोड़ा समय है, उसके बाद यहाँ कमेटी निर्णय लेगी और कमेटी के निर्णय के ऊपर चलने का काम करेंगे, और विशंबर वाल्मीकि को भी चैन से नहीं सोने देंगे, सरकार को भी चैन से नहीं सोने देंगे। जैसी जरूरत पड़ेगी सरकार को हराने के लिए वैसा निर्णय यहाँ की कमेटी लेगी,
तमाम हमारे किसान नेता दोनों के साथ ही खापो के हमारे प्रधान बैठे, हम पूरी ताकत से आपका साथ देंगे। आपने मेरी बात सुनी, सबका आभार। साथियों, हमने सब लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया है, यह फैसला रिजर्व रख लिया है। फैसला मैं आपको बता नहीं रहा हूं, फैसला रिजर्व है, फैसला भी क्रम में है कि परसों, ठीक परसों की बात कर रहा हूं मैं, परसों ठीक 10 बजे हम एक महापंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं, एक बड़ी कॉल करने जा रहे हैं। और इस महापंचायत का जो फैसला है वो भी लगभग तय हो चुका है, वो भविष्य के धर्म में है कि वो फैसला क्या है, और वो हमने रिजर्व रख लिया है। अब दिल्ली भरी सरकार को ये सुझाव देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि परसों ठीक 10 बजे हमारी एक बड़ी कॉल हो रही है, और 10 बजे यहाँ पर महापंचायत का आयोजन हो रहा है। आज ये सभी लोग जो है उस कॉल का एक माध्यम है, और हमारी समिति की ओर से भी आज शाम को ये कॉल होने जा रही है। परसों ठीक 10 बजे यहाँ पर बोनस पर गाँव तहसील पॉइंट के जिला भिवानी में एक महापंचायत का आयोजन हो रहा है, और ठीक 11 बजे वो फैसला ले लिया जाएगा, और उस फैसले का जो अंजाम होगा उस अंजाम के लिए सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी। इसमें जो गांव की कमेटी ने फैसला लिया है, भाई प्रदीप ने बता दिया, हमारे बहुत क्रांतिकारी साथी हैं, एक बार उसको मैं और स्पष्टता से आपके बीच में गांव की तरफ से रख रहा हूं कि फैसला ये है आज की पंचायत का कि हम एक अंतिम अल्टीमेटम 24 घंटे का सरकार और प्रशासन को दे रहे हैं। कमेटी हमारी तैयार है, हम चाहते हैं बातचीत से समाधान हो, 24 घंटे के अंदर सरकार और प्रशासन हमारी इस कमेटी के साथ वार्ता कर ले, यानी कि 24 घंटे का अल्टीमेटम गांव की कमेटी ने आज की पंचायत से दिया है। अगर 24 घंटे में हमारी बात को नहीं सुना जाता है तो फिर परसों 23 तारीख को यानी कि 23 अगस्त को सुबह 10 बजे यही स्थान होगा, इसी जगह के ऊपर एक महापंचायत का आयोजन करके और मौके के ऊपर कोई कड़ा फैसला लिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की और प्रशासन की होगी। सारे भाई इस बात को समझ गए जो पंचायत में बैठे हैं? हाथ उठा के बताओ, समझे कि नहीं समझे? तो साथियों 24, और ये बात हम मीडिया के माध्यम से भी सरकार और प्रशासन को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं, 24 घंटे तुम्हारे हैं, और 24 घंटे के बाद अगली मिनट हमारी है। महापंचायत होगी, हरियाणा की खापों को भी आमंत्रित करेगी, हाथी कमेटी सभी संगठनों को भी आमंत्रित करेगी, यहाँ के गांव बहान को भी आमंत्रित करेगी, टोलों के कमेटियों को भी आमंत्रित करेगी, और यहाँ की महापंचायत में निर्णय करा लिया जाएगा जिससे हम तकलीफ में बैठे हैं तो उनकी भी नींद को हराम करके छोड़ने का काम करेंगे। ये आज की महापंचायत का निर्णय गांव की कमेटी ने लिया, इसका दोनों हाथ उठा करके भरोसा भी दिलाए, समर्थन भी करे, और गांव को विश्वास भी दिलाए कि शहीदों के गांव के साथ इस न्याय की